राशि फल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियों को प्राप्त की जा सकती है। ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशि फल का भी निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं भी हमेशा एक समान नहीं होती हैं। आज शुक्रवार 13 जुलाई का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? आज के दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है? आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस राशिफल में मिलेगा। तो जानने के लिए देखें हमारा आज का ये राशिफल। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। रोग और शत्रु की वृद्धि होगी। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आए तो उन्हें नजरअंदाज करें, अपना व्यवहार सकारात्मक बनाए रखें। जल्द ही सफलता के द्वार खुलेंगे। योजनाओं और मनोभावों में बदलाव आ सकता है। आज वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय आपको बेहद सतर्क रहना है। आपको आज के दिन धन लाभ भी होगा। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा दिन है। दूसरों से सहयोग लेने में आपको सफलता मिलेगी। आपके स्वभाव में व्यवहारिकता कम और भावुकता ज्यादा रहेगी। आपका सारा समय लोगों से संपर्क बनाने और मजबूत करने में लगेगा। किसी बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के व्यक्ति से मुलाकात भी होगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए आज यात्रा आपको थकान और तनाव देगी, लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद साबित होगी। अपने जीवन में नकारात्मकता लाने वाले लोगों से आप दूर रहें। आपको ये जानकर अचरज होगा कि जिसे आप अपना हमराज समझते थे, वही आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा है। ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, उन्हें अपने दिलो दिमाग में जगह ना दें। वाणी की कुशलता से आपको लाभ मिलेगा। कानूनी कार्यों में आपको सफलता मिलने की संभावना बन रही है। यात्रा से यश की प्राप्ति होगी। कृषि कार्यों में तनाव भी हो सकता है। अगर आप अपने सामान को यहाँ वहाँ रख देंगे तो बाद में आपको ही परेशानी होगी, इसलिए इसे बहुत ही उत्तम स्थान पर ही रखें। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए आज आप प्रशासनिक अधिकारी से सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। समय रहते हुए अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रह सकता है। आज आपका स्वार्थी स्वभाव देखने को मिलेगा। प्रयासरत क्षेत्रों में और रोध तथा दाम्पत्य जीवन में कष्ट हो सकता है। धैर्य पूर्वक महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करें। जिंदगी की हकीकत का सामना करने के लिए आपको अपने प्रिय को कम से कम कुछ समय के लिए भूलना पड़ेगा। आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। बात बात पर गुस्सा भी आ सकता है, इसलिए आपको बात करने में सावधानी बरतने की जरूरत है। सृजनात्मक विचारों का भरपूर लाभ उठाएंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। आज कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी और ताजा आर्थिक मुनाफा भी पहुंचाएंगी। कार्यस्थल पर आपका महत्व बढ़ेगा। आवास निवास की समस्या का हल भी होगा। विदेश में अध्ययन करने के योग बन रहे हैं। लोन संबंधी मामले निपटेंगे। मोटापे से आपको काफी परेशानी हो सकती है। ये समय शारीरिक रूप से चुस्त रहने का है, इसलिए आप कुछ क्रियाएं करनी शुरू करें, जिससे आप शारीरिक और मानसिक तौर पर विकसित होकर जीवन का आनंद उठा सकें। बिना वजह तनाव न लें। आपको अपने जीवन साथी के साथ सुखद समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। मानसिक तनाव के चलते आपका स्वभाव क्रोधी भी होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। आज का दिन आनंद और उल्लास से भरा हुआ होगा तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आज के लिए किए गए परिश्रम के असंतोषकारक परिणाम होंगे, जिनसे मन में ग्लानि हो सकती है। अविचारी निर्णय से गलतफहमियां भी खड़ी ना हो, इसका आप ध्यान रखिए। अहंकार के भाव मन में न आने दें। काम में लापरवाही न करें। अपने शरीर
और मस्तिष्क को फिर से ताजा करने के लिए कुछ तरीकों को खोजना आपके लिए बेहतर होगा। आपके नए मिले प्रेम में उत्साह और प्रेम आपको एक स्थिर संबंध प्रदान करेगा और आप इस पर लंबे समय के संबंध के रूप में आंख बंद करके विश्वास भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। आज स्वास्थ्य के लिहाज से आपका दिन सामान्य रहेगा, सरकारी अफसरों से संपर्क भी होगा। आज का दिन आपके लिए हर्षोल्लास का रहेगा, परिवार में आनंद का वातावरण भी छाया रहेगा जिससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। किसी तीसरे इंसान का दखल आपके और आपके प्रिय के बीच गतिरोध पैदा करेगा। कार्यस्थल पर बदलाव भी हो सकता है, व्यापारिक अस्वस्थि मिलेगी, विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात आपका मन प्रसन्न करेगी, संतान का सुख भी मिलेगा, शारीरिक चुस्ती पूर्ति बनी रहेगी, लेन देन के मामले में विवाद संभव है, वर्तमान में चल रहे कार्यों में लाभ संभव है, आपके द्वारा लिए गए फैसले सही होंगे। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। आज धर्म कर्म में रुचि रहेगी, आपको शुभ समाचार मिलेंगे, वरिष्ठ जनों का सहयोग भी मिलेगा। आज किसी बात को लेकर मन में अधीरता रहेगी, बिजनेस में फायदे के योग हैं, अच्छी स्थितियां भी बन सकती हैं। आपको अधिकारियों से सहयोग और मित्रों से बिजनेस में लाभ मिलेगा। बेचैनी से मुक्ति पाने के लिए आने वाले दिनों में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं जिनसे आपको फायदा ही होगा। आपका ध्यान रिश्तों से जुड़े मामलों पर ही रहेगा, किसी भी तरह के विवाद से बचें। आज कहीं यात्रा भी होगी, आपकी ईमानदारी और उम्दा तरीके से काम करने की क्षमता आपको शोहरत दिलाएगी, संतान और शिक्षा से जुड़े काम पूरे होंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आज वैचारिक स्तर पर विशालता और मधुर वाणी से आप अन्य जनों को प्रभावित कर सकेंगे, मन में वासनात्मक विचार भी आ सकते हैं। इस दौरान आपको मानसिक तनाव की शिकायत हो सकती है, ऐसे में भोजन से परहेज करें जिससे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे। मध्याह्न के बाद नए कार्य का आयोजन कर सकेंगे, अपूर्ण कार्य पूर्णता की दिशा में आगे बढ़ेंगे, व्यवसाय में बढ़ोतरी भी की संभावनाएं हैं। गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी, आज तनाव की स्थिति भी हो सकती है लेकिन फिर भी अपने कार्य में लगे रहेंगे, सहयोग मिलेगा, मित्रों से मुलाकात हो गई जिससे पुराने दिन याद आएंगे, प्रसन्नता का आपको अनुभव भी होगा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए आज आप समय के साथ खुद को ढालने की कोशिश करेंगे, नए काम में रोड़ा भी आ सकता है, शाम तक काम बन जाएंगे। आज कोई बड़ा आपको ऐसी सलाह दे सकता है जो जिंदगी में आपके काम आए। आप खुद को अकेला पाएंगे और सही गलत का फैसला करने में असमर्थ महसूस करेंगे। आप सलाह के लिए किसी को ढूंढ भी नहीं रहे थे लेकिन फिर भी अचानक से आपको लाभकारी सलाह मिल जाएगा। इस सलाह के लिए सलाहकार को जरूर धन्यवाद करें। धार्मिक कार्य तथा किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। वाहन के रखरखाव पर आपका खर्च बढ़ेगा, अपनी भावनाओं को वश में रखें। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए आज आपको घरेलू परेशानियां आपको तनाव दे सकती हैं। तंग आर्थिक हालात के चलते कोई अहम काम बीच में अटक सकता है, सामाजिक समारोह में शामिल होने में आपको मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है क्योंकि परिस्थिति आपके वश में बाहर होने की संभावना है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा, शराब पीकर गाड़ी चलाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। आपका रुझान अध्यात्म की तरफ रहेगा, विद्यार्थीगण अध्ययन पर अच्छी तरह से ध्यान दे सकेंगे, आप अपने लक्ष्यांक पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे, परिणाम स्वरूप काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। आज आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे लेकिन क्रोध की अधिकता भी रहेगी, अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। ये समय जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद देगा, कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है इसलिए आप हिम्मत न हारें और इच्छित फल पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। आज आपको
स्थिर होकर काम करने की आवश्यकता है। आपको आज जो अवसर मिला है उसको जाने ना दें, बल्कि इसका लाभ उठाएं। आज आपको जिद्दी होकर कोई भी काम नहीं करना है। नाकामियों को तरक्की का आधार बनाएं। पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र से परिश्रम की अधिकता रहेगी। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए आज के दिन अधिकांश समय खरीदारी और दूसरी गतिविधियों में जाएगा। अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करना आपकी सेहत को भी बेहतर करेगा। जीवन साथी के साथ एक आरामदायक दिन भी बीतेगा। कार्य क्षेत्र में व्यवधान आएंगे, अपने रवैये में बदलाव लाएं, फिर बेहतर नतीजे मिलेंगे। विवाद समाप्त होने से शांति और सुख बढ़ेगा। अपने परिवार के साथ रूखा व्यवहार न करें, ये पारिवारिक शांति को भंग कर सकता है। अपने साथी को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने से बचें। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते समय अपने शब्दों को गौर से चुनें। आपकी कुंडली व राशि के ग्रहों के आधार पर आपके जीवन में घटित हो रही घटनाओं में कुछ भिन्नता हो सकती है। पूरी जानकारी के लिए आप किसी पंडित या फिर ज्योतिषी से मिल सकते हैं। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।